हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा घरोंदा। जैसे कि आप देख ही चुके हैं इंट्रो में कि ये हमारा व्लॉग होने वाला है, दिवाली व्लॉग। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड अ सेफ दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आशा करती हूँ कि माँ लक्ष्मी आपकी मनोकामनाएं पूरी करे, राम जी भगवान आप सबको अच्छे से अच्छा आशीर्वाद प्रदान करे, आपकी मन की हर कामना पूरी हो। तो फ्रेंड्स, देखिए आज का व्लॉग होने वाला है हमारा दिवाली व्लॉग, कैसे मैं दिवाली मनाई हूँ। और आगे आप देखेंगे दिवाली के मौके पर बहुत अच्छी सी मेरी सिग्नेचर डिश मावा गुजिया। यूजुअली लोग सूखा गुजिया बनाते हैं, पर मैं हमेशा मावा गुजिया बनाती हूँ। और एक नमकीन आप देखने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि आगे का व्लॉग आपको बहुत बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरा घरोंदा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कढ़ाई में हमको लेना है एक बड़ा चम्मच घी। और अब हम रोस्ट करेंगे रवे को। ये देखिए यहाँ पर मैं 200 ग्राम रवा ली हूँ और इसे हल्का सा भूनेंगे एकदम लाइट। तब तक हम बना लेते हैं हमारा डो। डो के लिए मैं ली हूँ मैदा। मैदे में मैं डाल रही हूँ मोयन। फ्रेंड्स, मोयन कंपलसरी डालना होता है। अगर आप मोयन नहीं डालोगे तो हमारा गुजिया एकदम कड़क सा बनेगा। यहाँ पर मोयन की जगह पर मैं ले रही हूँ घी। एक 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून घी, घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं। और उसी में मैं ऐड कर रही हूँ पानी और हम इसका एक स्टिफ डो बनाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर हमारा रवा अच्छे से भुन गया है और इसे हम उतार देंगे, अलग से खाली कर लेंगे। तब तक ये देखिए मैं आटा लगा ली हूँ, एकदम कड़ा सा आटा है। और इसे 10 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे रेस्ट के लिए। और तब तक हमारे आगे स्टफिंग की प्रोसेस हम पूरी कर लेते हैं। तो ये देखिए रवा हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसमें से सौंधी सौंधी सी खुशबू आ रही है। तब तक हमको भूनना है रवे को। और यहाँ पर मैं ली हूँ खोवा। खोवा भी हमको 200 ग्राम जितना ही लेना है, जितना हम रवा लेते हैं उतना ही खोवा हमको लेना है। या 200 ग्राम से ज़्यादा 100 ग्राम एक्स्ट्रा भी आप ले सकते हैं, नॉट अ बिग डील। और अब हम खोए को भी अच्छे से सेक लेंगे। इसमें हमको घी या कुछ भी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, बिकॉज खोए में ही घी होता है। एकदम धीमी आंच पर हमको खोवा सेकना है। ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा कलर में। और ये देखिए दोनों को हमको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम, चिरौंजी, इलायची पाउडर और ये है मिश्री पाउडर। आप चीनी पाउडर भी ले सकते हैं 200 ग्राम। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ खोवा। देखिए खोवे की पहचान ऐसी होनी चाहिए कि जब हम इसका बॉल बनाएंगे तो ये हमारे हाथों से चिपकनी नहीं चाहिए, इसमें से घी रिलीज़ होगा। तो तब तक हमको उतना हमको खोवे को भूनना है। अगर आप खोवा कच्चा कच्चा सा रख देंगे तो हमारे गुजिया जल्दी से ख़राब हो जाएंगे, अंदर से बूज आ जाएगी और बाहर से भी ख़राब हो जाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से भूनेंगे, इसकी ट्रिक यही है फ्रेंड्स कि इसे अच्छे से भूनना है, तो हमारे खोवा 1 हफ्ते तक भी खोवा गुजिया बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखिए अब मैं यहाँ पर गुजिया बना रही हूँ हाथ से। जिसको हाथ से बनाना आता है हाथ से बनाइए, नहीं तो आप मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए हमको लेना है एक छोटी सी मैदे की लोई और उसे पूरी जितना बेलना है, थोड़ा सा थिक। और उसके अंदर हम करेंगे स्टफिंग और दोनों किनारों पे लगाएंगे पानी से, हम इसे जॉइंट कर देंगे। और अब मैं इसे करूँगी ट्विस्टिंग। ये देखिए कुछ इस तरीके से हमको फोल्ड करना है गुजिया का डिज़ाइन। मुझे बहुत अच्छे से बनाने आती है गुजिया की डिज़ाइन, तो मैं हमेशा अपने हाथों से ही मैन्युअली ही गुजिया बनाती हूँ। अगर आपको ये फोल्डिंग्स नहीं आती है तो आप मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए गुजिया को हमको इमीडिएटली नहीं तलना है, इसे अच्छे से ड्राई करना है। हमारा गुजिया एकदम कड़क हो जाना चाहिए, तब जाकर हमें इसे फ्राई करना है। और मैं फ्राई कर रही हूँ घी में। आप तेल में भी, रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जब मावा गुजिया बनाती हूँ तो मैं हमेशा घी में ही इसे फ्राई करती हूँ। एकदम धीमी आंच पर इसे हल्के हल्के से तलना है फ्रेंड्स, एकदम तेज़ आंच पर मत तलिए, बिकॉज नहीं तो ये किनारों से एकदम कच्चा रह जाएगा और हमारा गुजिया का टेस्ट उतना अच्छा सा नहीं आएगा।
तो ये देखिए हमारी मावा गुजिया बनकर एकदम तैयार है। तो चलिए अब बनाते हैं एक अच्छी सी नमकीन। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये है काबुली चना, व्हाइट चना। इसे मैं रात में भिगोकर रख दी थी और सुबह 2-3 बार पानी से धोकर इसे अच्छे से टॉवल पे सुखाना है। दोपहर में इसके बॉईल नहीं करना है, बस इसे भिगोकर रखना है और 2-3 बार पानी से इसे अच्छे से धोकर इसे हमको फ्राई करना है। दैट्स इट। एकदम मध्यम आंच पर इसे फ्राई कीजिए फ्रेंड्स, ये थोड़े उछलते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल। और इसे हमको अच्छे से फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है, क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं तब तक हमको फ्राई करना है, नहीं तो ये एकदम नरम नरम हो जाएंगे। ये देखिए जैसे ही हमारे काबुली चना फ्राई हो जाते हैं तो इसके सारे तेल के ऊपर के बबल्स एकदम फिनिश वैनिश हो जाते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमारे काबुली चना अच्छे से बन गए हैं और इनमें से एकदम खन खन की आवाज़ भी आएगी, तो तब आप समझ जाइए कि हमारा काबुली चना इज़ रेडी। ठीक है, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिए। ये है नमक, अगर आपको तीखा थोड़ा पसंद है तो थोड़ा ज़्यादा मिर्ची यूज़ कर सकते हैं। और ये है काला नमक, अभी तक मैं ऐड की हूँ लाल मिर्ची, नमक, काला नमक, काली मिर्ची पाउडर और ये है थोड़ा सा चाट मसाला। और अब हम इसे करेंगे अच्छे से मिक्स अब। और ये लीजिए आपका चटपट सा एकदम सा फैंसी नमकीन बनकर तैयार है बस कुछ ही मिनटों में। बन रही है खीर और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पूरी। दिवाली और होली वाले दिन हमारे घर में बनती है घी की पूरी, ये अपने अपने घर का होता है। यूजुअली मैं दिवाली और होली पे घी में ही पूरी बनाती हूँ। तो अभी मेरा लंच प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है।
देखिए ये था हमारा आज का दिवाली का ब्लॉग। कुछ इस तरह छोटी मोटी सी दिवाली हम लोग ने ऐसे मनाए हैं। बहुत कम समय में बहुत कुछ करना होता है फ्रेंड्स। जब भी त्यौहार आते हैं, त्यौहार अपने साथ लाते हैं बहुत सारी उमंग, खुशियाँ और सबसे ज़्यादा तो काम भी अपने साथ बहुत सारा काम लाते हैं त्यौहार। बट फ्रेंड्स हमको काम तो करना ही होता है। मतलब त्यौहार दिवाली की कुछ ऐसी उमंग होती है, कुछ ऐसी एक्साइटमेंट होती है, चाहे कितना भी काम हो हमको करना ही होता है और हम कर ही लेते हैं। पर ज़्यादा से ज़्यादा काम हम फीमेल्स पर आ जाता है तो हमको करना क्या होता है कि बस हैव सम पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए और काम खुद ब खुद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का दिवाली का ब्लॉग। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा हमारा दिवाली का ब्लॉग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।